In the financial management, we are discussing capital budgeting chapter. Now, what is capital budgeting that we have already discussed? Once again, I am telling what is capital budgeting. So we know there are three important financial management decisions. One is investment decision, second is financing decision, and third one is the dividend decision. So capital budgeting decision is related with the investment decision. A business manager has to invest its funds in short-term assets as well as in the long-term assets. When we talk about the short-term assets, that means we are talking about the investment in the current assets. So investment decision regarding the current assets is known as the working capital decision. And the investment decision regarding in long-term assets, like fixed assets, in long-term projects, that is the capital budgeting decision. So capital budgeting decision is related with the decision in the investment of fund in the long-term assets. In this chapter, we are dealing with the different techniques and methods which are useful for taking this long-term investment decision. Last class mein maine aapko meaning cover kiya hai. Capital budgeting ka jo process tha, wo humne cover kiya tha. Aur maine aapko bataya tha ki capital budgeting ke jo projects hai, jis project mein hume investment karna hai, uske evaluation ki different methods hai. जिसको कैपिटल बजेटिंग टेक्निक्स कहा जाता है. तो यहां पे एक चार्ट का आपको बताया गया है. इस चार्ट में आप देख सकते हो कैपिटल बजेटिंग टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. वन इज द नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, सेकंड इज द डिस्काउंटेड टेक्निक. इन नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स वी हैव पेबैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. इन डिस्काउंटेड टेक्निक्स वी हैव टोटल फोर मेथड्स. In the previous class, we have already covered payback period method. What is payback period method? So this method says that when two or more projects are available, then you have to find within how many years you are able to cover the project cost, initial cost of the project. And we should select that project from where project cost is covered earlier. जैसे कि मेरे पास दो options available है. एक project में से मुझे तीन साल में मेरा amount recover हो रहा है, दूसरे project में मेरा चार साल में amount recover हो रहा है. तो इन दोनों में से मुझे वो project select करना चाहिए जिसमें मेरी amount जल्दी recover हो जाती है. तो उसके ऊपर से हमने कुछ exercise भी लिए थे, उसके डिसीजन के रूल्स मैंने आपको बताए थे. यहां पे सेकंड पॉइंट में बोला है, इफ द पेबैक पीरियड इज लेस देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. मान लो आपने एज्यूम किया है कि चार साल तक का प्रोजेक्ट हो तो एक्सेप्ट करना है, मतलब वो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट चार साल में रिकवर हो जाता है. अब आपके पास ऑप्शन है, उसमें एक प्रोजेक्ट में से आपका अमाउंट तीन साल में रिकवर होता है और दूसरे प्रोजेक्ट में से आपकी अमाउंट थ्री एंड हाफ इयर्स में रिकवर होती है. तो इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें अर्लियर रिकवर होता है, मतलब वो थ्री इयर्स में रिकवर होने वाला प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे. अगर कोई प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड ज्यादा है हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है उससे, तो उसको फिर रिजेक्ट करना है. जैसे कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको दिया है स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको इनिशियल आउटले भी बोलेंगे, 1 लाख का है, पांच साल का ये प्रोजेक्ट है. एवरी ईयर दे आर गेटिंग 40,000 इनफ्लो, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो अब इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख कितने साल में रिकवर हो रहा है. तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में 40,000 मिल जाएगा, दूसरे ईयर में 40 मिलेगा, तो दो साल में 80,000 तो रिकवर हो जाएगा. अब 1 लाख में से 80,000 दो साल में रिकवर हो गया,
बाकी का जो अभी 20 बचा है, क्योंकि टोटल 1 लाख था उसमें से 80,000 2 साल में रिकवर हो गए, तो बाकी का 20 हमें थर्ड ईयर से रिकवर करना है। अब थर्ड ईयर का इंफ्लो है 40,000, जो 12 महीने का है, ईयरली इंफ्लो है। तो 40,000 12 महीने में रिकवर हुए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 20,000 जो बाकी का हमारा रिकवर करना है वो 6 महीने में हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आएगा 2.5 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, जो नीचे आप देख सकते हो। जब इक्वल कैश आउटफ्लो इनफ्लो है, जब आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इक्वल है, जैसे यहाँ पे 40-40-40 है, तो आप सिंपल वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख, उसको डिवाइड कर दो 40,000 से जो भी इनफ्लो है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.5 ईयर्स में अमाउंट रिकवर हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक और एक्सरसाइज बताया था, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट कैश इनफ्लो है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कभी 60 है, कभी 80 है, कभी 40 है। तो वहां पे आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपको सारे ईयर्स लिख देने हैं जो क्वेश्चन में दिया है, और जो आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है वो लिख देना है। फिर इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे क्यूमुलेटिव, तो टोटलिंग करना है। पहले साल का 60,000 लिख दिया, दूसरे साल 60 और 80, कुल मिला के 1,40,000 हो गया। फिर 1,40,000 में 40 ऐड करो थर्ड ईयर का, तो 180 हो जाएगा। 180 में फिर से फोर्थ ईयर का 1 लाख ऐड करो, तो 280 हो जाएगा। मतलब टोटलिंग करना है, एवरी ईयर का कैश फ्लो जो है इनफ्लो है उसको ऐड करते जाओ, तो क्यूमुलेटिव मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी। तो हमारी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 लाख रुपीज थी, तो देख लो यहाँ पे 4 लाख रुपीज कितने साल में रिकवर होता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि स्टार्टिंग का जो 5 ईयर है वहां तक हमारा 3,90,000 रिकवर हो जाता है। 3,90,000 आउट ऑफ 4 लाख, 3,90,000 इज रिकवर्ड इन 5 ईयर्स। तो 5 साल तो हमारा पेबैक पीरियड रहेगा ही। अब बाकी का जो 10,000 है वो कहाँ से रिकवर होगा, वो 6 ईयर से रिकवर होगा। अब 6 ईयर का इनफ्लो 80,000 का है, इस 80 में से हमें 10,000 रिकवर करने हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 4 लाख था, उसमें से 390 तो रिकवर हो गए 5 साल में। इस सबका टोटल किया है हमने साइड पे, एक्चुअली ये टोटल ही है जिसको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोला जाता है। तो 10,000 इस 80,000 में से रिकवर करने हैं 6 ईयर में से, तो आपका यहाँ पे आंसर देख सकते हो पेबैक पीरियड का 5 ईयर्स तो आएगा ही। अब बाकी का जो 10,000 है उसका कैलकुलेशन दिया है कि 4 लाख में से 390 रिकवर हो गया, तो बाकी बचा 10,000 जो आप 6 ईयर से रिकवर करोगे। तो 10,000 इज डिवाइडेड बाई 80,000, सो यू विल गेट 0.125। तो इसका ये आंसर बन रहा है कि 5.125 ईयर्स में, मतलब 5 साल और 1 महीना, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1-2 महीने के अंदर बाकी का 10,000 भी रिकवर हो जाएगा। तो 5.125 ईयर्स में आपका प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, ये पेबैक पीरियड है। तो जब अनइक्वल आपको कैश फ्लोज दिए हैं, तो आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना है। अगर आपको इवन कैश फ्लोज दिया है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो। तो दो तरह का एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वाला आपको तब बनाना है जब आपको अनइवन अनइक्वल कैश फ्लोज दिया हो। तो पेबैक पीरियड मेथड के ऊपर कुछ एक्सरसाइज हमने लिए थे। अब आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक और मेथड का, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड? तो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड इज
यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रादर देन कैश फ्लो. द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, एआरआर कैसे फाइंड करोगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो लोगे डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जितने साल का भी प्रॉफिट दिया होगा वो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लोगे, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे जो अभी क्वेश्चन में हम समझेंगे. एवरेज इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो. अच्छा, अब यहाँ पे डिसीजन रूल क्या है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे. तो इफ द एआरआर इज हायर देन द मिनिमम रेट एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो रेट डिसाइड किया है उससे ज्यादा आ रहा है तो एक्सेप्ट करो, कम आ रहा है तो रिजेक्ट करो. एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ज्यादा आइडिया आएगा इस मेथड का. बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा इसमें स्टेप्स नहीं है. अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख. तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है. प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड अंडर द प्रोजेक्ट विल हैव द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 80,000 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स. 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 ईयर्स के बाद 80,000 हो रहा है. और आपको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा दिया है, 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा दिया हुआ है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फर्स्ट ईयर में दिया है ₹50,000, सेकंड ईयर में आपको दिया है ₹75,000, थर्ड ईयर में 1,25,000 दिया हुआ है, फिर आपको 1,30,000 दिया हुआ है. ये सबका टोटल करना है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपको दिया है उसका टोटल करना है. तो टोटल आपका बन रहा है यहाँ पे 4,60,000. इसका टोटल होगा आपका 4,60,000. फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड जो आपका टोटल आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से 5 से. तो 92,000 आपको यहाँ पे मिलेगा. ये 92,000 आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है. तो ओपनिंग आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस का था और स्क्रैप वैल्यू आपको 80,000 दिया हुआ है. तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 10,80,000. उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है तो 5,40,000 होगा. लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका अमाउंट जो बनेगा वो 5,40,000 होगा. और ये जो हमारा है उसका आंसर हमारा आ रहा था 92,000. दोनों बता देता हूं,
इस फॉर्मूला में आप उसको रखोगे 92,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 इनटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 17.037, मतलब 17.04%। अब मैनेजमेंट ने मान लो ऐसा डिसाइड किया है कि हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है और यहाँ पे आ रहा है 17%, तो इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि मिनिमम जो परसेंटेज उन्होंने एक्सपेक्ट किए है उससे ज्यादा आ रहा है। पर अगर इस मान लो इसका आंसर 15% से कम आता, 15% एक इमेजिनरी फिगर में बोल रहा हूँ, अगर कम आता तो उसको रिजेक्ट करते। तो इस मेथड में आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करना है और इस फॉर्मूला से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। मिनिमम रेट से ज्यादा है अब आपका ईआर, सिलेक्ट करो प्रोजेक्ट या तो उसको रिजेक्ट करो। फिर हमने लास्ट क्लास में एक और मेथड देखा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का एडवांटेज ये है कि इस मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया है। मैंने आपको बताया था मनी का जो वर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट होता है। मनी रिसीव टुडे हैज मोर वर्थ देन मनी रिसीव लेटर। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके फादर आपको बोल रहे हैं कि 5 साल बाद आपको 75,000 देंगे, सॉरी 5 साल बाद आपको वो 1 लाख रुपीज देंगे, या तो आज आपको वो 75,000 दे रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आज वाला ऑप्शन सही है, 75,000 का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि 75,000 अगर आपको आज मिल जाता है तो आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके ऊपर रिटर्न अर्न कर सकते हो। वो जो 1 लाख रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स मिलने वाला है वो अनसर्टेन है, 5 साल तक आप उसके ऊपर कोई रिटर्न अर्न नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अमाउंट 5 साल के बाद मिलने वाली है। तो मनी रिसीव टुडे हैज मोर वर्थ देन मनी रिसीव लेटर, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज कंसिडर्ड इन दिस द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपको जो भी कैश फ्लोस दिया जाएगा, जो भी कैश इनफ्लोस दिया जाएगा, उसको आप एक डिस्काउंटिंग रेट से उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसका टोटलिंग किया जाएगा और उसको इनिशियल आउटले के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट करना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल आउटप्ले, उन दोनों का डिफरेंस है। एक्सरसाइज से ज्यादा समझ में आएगा तो एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, फॉर्मूला से डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। डिसीजन रूल मैंने आपको अभी बताया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आता है तो सिलेक्ट करना है, नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट करना है। एक्सरसाइज से ज्यादा समझ में आएगा इसलिए एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट एक्स इनिशियली कॉस्टिंग ₹2,50,000। तो 2,50,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल आउटले है प्रोजेक्ट का। इट हैज 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हमने पढ़ा था, ये जो 2,50,000 है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब ये कैपिटल आपने मार्केट से कलेक्ट किया उसका मिनिमम एक्सपेक्टेशन 10% है, मतलब ₹25,000 इसका कॉस्ट बन रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप सबको पता है कि बिजनेस में जो भी अमाउंट होता है वो बिजनेसमैन का खुद का नहीं होता है, वो कहीं से लाता है, हमें उनको कुछ रिटर्न देना पड़ता है। तो मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे हम डिस्काउंटिंग करेंगे इस 10% से। तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, 90,000, 80,000, 70, 60 एंड 50, 5 साल का प्रोजेक्ट है। अब इसका हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल मैंने आपको बताया था वो यूज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ईयर्स लिख देने हैं, जो कैश फ्लोस क्वेश्चन में दिया है वो लिख देना है। तो ये दो कॉलम तो आपको इजीली क्वेश्चन में से मिल जाएगा। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा, जो डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा,
उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू है 10%। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नो डाउट एग्जाम में तो मैं आपको रेडीमेड दे दूंगा। इसके लिए आपको इंटरेस्ट फैक्टर टेबल देखना पड़ेगा जो मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम दैट इज टेबल नंबर 3 यूज करोगे। उस टेबल में आपको देखना है कि 10% के हिसाब से वैल्यू क्या आ रही है। तो उस टेबल में देख के आपको ये वैल्यूज मिल रही है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये वैल्यूज 5 साल की हमने ली है फ्रॉम द इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप इसको, आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। कैलकुलेटर के ऊपर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया आ जाए। तो अब मैं कैलकुलेटर के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं कैसे करना है। 10% है हमारा, ये याद रखना। कैसे करना होगा, समझा देता हूं आपको कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, 1 / 1 + r, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, इससे आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 1 / 1 + r। अब हमारे को 10% दिया है तो 10% के हिसाब से ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, 1 / 1 + r, मतलब 1 + 1 का 10% तो वो होगा 0.10। 10% हमें क्वेश्चन में दिया है, तो फाइनली हम इसको क्या करेंगे, 1 / 1 विल बी डिवाइडेड बाय 1.10। ये आपका फाइनली हुआ 1 / 1.10, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि कैलकुलेटर से कैसे किया जाता है। अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट इयर्स का फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करो, 1 को 1.10 से डिवाइड करो, 1 / 1.10 कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 0.0909, ये वैल्यू आपको मिलेगी जो उस टेबल में रेडीमेड दिया है। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो। अगर मुझे सेकंड ईयर का फाइंड करना है तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड ईयर का फाइंड करना है, ये फर्स्ट ईयर का था, तो यही यही सारी चीज फिर से रिपीट होगी। कैलकुलेटर पे खाली इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो सेकंड ईयर का डेटा आपको मिल जाएगा, पर हमारे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं फिर से बता रहा हूँ सेकंड ईयर के लिए फॉर्मूला क्या बनती है। सेकंड ईयर के लिए आपको इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा, √2। कैलकुलेटर के ऊपर आप इजीली कर सकोगे, 909 आ जाता है, फिर से आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, फिर थर्ड ईयर का फिर से इक्वल टू प्रेस करो तो थर्ड ईयर की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की वैल्यू मिलती जाएगी जो यहाँ पे रेडीमेड दिया है।
9098267516831 एटसेट्रा। कैलकुलेटर पर नहीं आ रहा है तो आप उस टेबल में देख के लिख सकते हो। अब मेरा मेन पॉइंट क्या है, कैश फ्लो लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया, टेबल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड, दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड, तो सबके साथ में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दिख रहा हो, दिस विल बी मल्टीप्लाइड। इससे मल्टीप्लाई करोगे इस प्रेजेंट वैल्यू से, तो सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा 8181066080525570। ये जो भी अमाउंट आया उसका टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे बन रहा है 272490। ये आपका हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जो कैश फ्लोज आपका है उसका प्रेजेंट वैल्यू ये बन गया, क्योंकि हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें से आपको इनिशियल कॉस्ट माइनस कर देनी है, इनिशियल कॉस्ट माइनस कर देना है, जिसको इनिशियल कैश आउटले भी कहा जाता है। जो इस प्रोजेक्ट में आपको दिया है 2,50,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, माइनस कर दो उसको, तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपका 22,490। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आता है तो इसको सिलेक्ट करना है, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो एज द प्रोजेक्ट हैज पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन द कैश आउटले, 2,50,000 से ज्यादा है, इट शुड बी एक्सेप्टेड, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज द वर्क फाइनल डिसीजन। तो यहां पे क्या स्टेप्स बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया। आपको ईयर लिखना है, कैश फ्लोज लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो भी परसेंटेज दिया होगा वो टेबल नंबर 3 से उसकी सारी वैल्यूज लिखनी है। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे आप, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेकंड एंड थर्ड, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, टोटल मैं नंबर देता हूं, ये आपका नंबर वन, ये ईयर वाला है, ये नंबर वन है, वन नहीं लिखता हूं, ए लिखता हूं, ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देते हैं और इसको हम सी लिख देते हैं। सी कैसे मिलेगा, सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से। ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है। ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ बी, ताकि आपको समझ में आए कैसे ये आया है वैल्यू, सी कैसे आया, सी वाला कॉलम कैसे आया, वो बताया मैंने आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपकी हो गई। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है उसमें 13% रिटर्न है, तो इस तरीके से इन्होंने किया है। फॉर्मूला से जब समझ में नहीं आएगा आपको इस टेबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है, लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हमें इस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करना है जिससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल हो जाए। अभी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फाइंड किया और जो आपको इनिशियल आउटले दिया था वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, उस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। उस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करना है कि जहां पे दोनों इक्वल हो जाए। तो देखो IRR इज द डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट्स, जो इक्वल कर देता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो